दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ MIUI 12.5 के इंडिया अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे डिवाइस है जो कि अभी तक अपडेट नहीं मिला है। बहुत सारा क्या, किसी को अपडेट नहीं मिला है, सिर्फ यहाँ पर Redmi Note 10 Pro ऐसा डिवाइस है जिसमें कि आपको यहाँ पर अपडेट मिला है। MIUI 12.5 का ऑफिशियल इंडिया स्टेबल अपडेट देखने को मिला है, बाकी और किसी भी डिवाइस को नहीं मिला है। अभी आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई Note 10 Pro Max को मिला अपडेट, तो भाई वो दोनों सेम डिवाइस है, तो दोनों को दो डिवाइस गिनती करना मतलब सही बात नहीं है। एक ही डिवाइस है दोनों, सिर्फ कैमरा का डिफरेंस है, तो दोनों में सेम अपडेट बनाया जाता है, सेम अपडेट दोनों में फ्लैश कर दिया जाता है, तो दोनों में अलग अलग नाम लेना सही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ एक ही डिवाइस में अभी तक अपडेट देखने को मिला है, ठीक है। बाकी यहाँ पर Redmi Note 10 में देखने को नहीं मिला है, बाकी यहाँ पर Redmi 9 सीरीज, 8 सीरीज, 7 सीरीज और 6 सीरीज, 5 सीरीज किसी में अभी तक कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमें अपडेट कब मिलेगा, मैं Redmi Note 7 यूज़ करता हूँ, कोई बोल रहा है मैं Redmi Note 8 यूज़ करता हूँ, कोई बोल रहा है मैं Redmi Note 5 Pro यूज़ करता हूँ। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एकदम अच्छे से मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा डिवाइस को कब अपडेट मिलेगा। सारा डिवाइस के को आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर जरूर देखते रहिए। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख लो, ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि कौन कौन से डिवाइस को अपडेट मिलेगा। हालांकि मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, मैं फिर भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कमेंट करके, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों Redmi 7 सीरीज के ऊपर का जितना भी डिवाइस है सभी को आपको MIUI 12.5 का अपडेट मिलेगा, और उससे नीचे जो डिवाइस है उसमें से किसी को भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर Redmi Note 6 Pro हो गया, Redmi Note 6 Pro को बहुत माइनर से एकदम हल्का फुल्का चांस है कि मिल सकता है, ठीक है, कुछ परसेंट चांस है। लेकिन यहाँ पर Redmi Note 5 हो गया, Note 5 Pro हो गया, इन सभी डिवाइस में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बचा है दोस्तों अब कि आपको अपडेट यहाँ पर देंगे, ठीक है। यहाँ पर MIUI 12 का एक दो अपडेट और हो सकता है कि आपको दे दिया जाए बग्स को फिक्स करने के लिए, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि आपका जितना भी अपडेट अभी आपको मिलता है सभी अपडेट दोस्तों बंद हो जाएगा, और जो अपडेट पे आप अभी रन कर रहे हो वही आपका लास्ट अपडेट साबित हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको Redmi 5 एंड Redmi Note 5 के बारे में बता दिया, बाकी यहाँ पर Redmi 5 सीरीज के किसी भी डिवाइस को अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, MIUI 12.5 का अपडेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर Redmi Note 6 Pro में आपको कुछ परसेंट चांस है, और Redmi Note 7 का सभी डिवाइस में अपडेट मिलेगा, Redmi 7 में नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर Redmi 7 में MIUI 12 ही नहीं देखने को मिला, तो 12.5 मिलने का कोई भी उम्मीद यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर Redmi Y3 को नहीं मिलेगा, Redmi 7 को नहीं मिलेगा, बाकी Redmi 6 सीरीज में तो नहीं मिलेगा किसी को, सिर्फ Note 6 Pro में थोड़ा सा उम्मीद है मिलने का, बाकी देखते हैं उम्मीद पर यहाँ पर खरा उतरता है यहाँ पर नहीं। बाकी यहाँ पर उसके ऊपर जितना भी डिवाइस है Redmi 8, Note 8, Note 9, Note 10 सभी में आपको अपडेट मिलने वाला है, ठीक है। बाकी Poco का जितना भी डिवाइस है Poco का सारा डिवाइस मिलेगा, सिर्फ Poco F1 में हो सकता है अपडेट आपको ना मिले, ठीक है, हो सकता है आपको Poco F1 में भी सरप्राइज मिल जाए, हो सकता है अपडेट दे दिया जाए, बाकी उम्मीद नहीं है, ठीक है, उम्मीद बहुत कम है, बाकी देखते क्या होता है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर Redmi Note 7 को, कि Redmi Note 7 में आपको कब मिल सकता है अपडेट, तो दोस्तों यहाँ पर 2 महीना तो वेट करना पड़ेगा सभी डिवाइस को, Redmi Note 7, Note 7S, Note 7 Pro, यहाँ पर Redmi 8 सीरीज भी है, Redmi 8 सीरीज में जितना भी डिवाइस है, 8, Note 8, Note 8 Pro, जितना भी डिवाइस है सभी डिवाइस में आपको 2 महीना का वेट करना पड़ेगा। 9 सीरीज में भी सेम है, 2 महीना का वेट करना पड़ेगा, मतलब सभी डिवाइस में 2 महीना का वेट करना पड़ेगा। और Redmi Note 10 सीरीज में जो कि जिसको कि नहीं मिला, जैसे कि Redmi Note 10 हो गया, ठीक है, और तो कोई डिवाइस अभी लॉन्च ऐसा नहीं हुआ है, Note 10 हो गया, और Note 10S में शायद अपडेट पहले से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो Note 10 में आपको 1 मंथ के भीतर अपडेट मिलने वाला है, बाकी जितने भी डिवाइस सभी में आपको 2 महीना का समय लेने वाला है, ठीक है, उससे पहले आपको अपडेट मिलने का कोई भी उम्मीद नहीं है। बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको आएगी इस अपडेट से रिलेटेड, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए, ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।